दोस्तों, अब वो आवास योजना को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। पहली किस्त की राशि या दूसरी किस्त की राशि या फिर आपकी तीसरी किस्त हो या फिर आपकी कोई भी किस्त की राशि का यदि आप इंतजार कर रहे हैं तो बड़ा अपडेट आ चुका है झारखंड सरकार के द्वारा, जो कि आपको एक लेटर स्क्रीन पर दिख रहा है। इस लेटर में जो भी आदेश जारी किया हुआ है वो किस्त को लेकर ही जारी किया गया है। आप पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी या फिर जो भी किस्त की राशि का इंतजार कर रहे हैं वो आपको कन्फर्म जल्दी ही मिलने वाली है। और आदेश में पेमेंट की डेट जारी कर दिया गया है, यानी कि इस डेट के अंदर ही भुगतान जारी किया जाएगा और कुछ समय में ही या कुछ टाइम में ही और अगले महीने ही गृह प्रवेश की डेट भी जारी कर दी गई है। दोस्तों, यह बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगले महीने गृह प्रवेश किया जाएगा। अब आवास योजना के अंतर्गत फटाफट से आप सभी को जो भी किस्त बाकी है उसका भुगतान किया जाएगा। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको पैसे कब मिलने वाले हैं और यदि आप अबुआ योजना के लाभार्थी हैं या लिस्ट में आपका नाम है या फिर आपकी कोई भी किस्त पेंडिंग है, तब आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, झारखंड सरकार का जो ग्रामीण विकास विभाग है उसके द्वारा अभी लेटेस्ट ही एक लेटर जारी किया गया है। यहाँ पर आप इसका डेट भी देख सकते हैं, 20 सितंबर 2024। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मनरेगा आयुक्त है उसने ये लेटर इश्यू किया है और यह लेटर जो है वो झारखंड के सभी उपायुक्त और उप विकास आयुक्त को भेजा गया है। दोस्तों, इस लेटर का जो विषय है वो है अबुआ आवास योजना में अपेक्षित प्रगति लाने के संबंध में। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि अबुआ आवास योजना राज्य सरकार की एक अति महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजना है। योजना में अपेक्षित प्रगति लाने के लिए दिनांक 20/9/24 को जिलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। योजना में त्वरित प्रगति लाने के लिए निम्न निर्देश दिए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला आदेश है वो कुछ इस प्रकार से है। वित्तीय वर्ष 23/24 जो लास्ट ईयर था उसके अंतर्गत जो लक्ष्य के विरुद्ध 100% जो लाभुक थे यानी लाभार्थी थे उनका पंजीकरण और आवास की स्वीकृति दिनांक 30/9/24 तक कर दिया जाए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी आदेश की जो दूसरी लाइन है उसमें उक्त कार्य को संपन्न करने के लिए सभी जिला प्रखंडवार माइक्रो प्लान तैयार कर विभाग को दिनांक 21/9/24 तक समर्पित करें। इसी ऑर्डर की जो तीसरी लाइन है वो यहाँ पर इस प्रकार से है कि वित्तीय वर्ष 23/24 के अंतर्गत 141,444 जो लाभुक थे यानी जो लाभार्थी थे उनको द्वितीय किस्त विमुक्त किया गया है और इसमें लगभग 40,000 लाभुकों यानी जो लाभार्थी थे उनको दिनांक 5/10/24 तक तृतीय किस्त मुक्त किया जाए। यहाँ पर ये जो डेट देख रहे हैं इस डेट को आपका जो तृतीय या जो तीसरी जो किस्त है वो आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इसी लेटर का जो चौथी लाइन है वो कुछ इस प्रकार से है कि वित्तीय वर्ष 23/24 के 20,137 जो लाभुक थे यानी जो लाभार्थी थे उनको तृतीय किस्त दे दिया गया है। इसमें से 10,000 जो लाभार्थी है उनको दिनांक 30/9/24 तक गृह प्रवेश के लिए तैयार किया जाए। इसके अतिरिक्त 10,000 लाभुक यानी लाभार्थी को दिनांक 5/10/24 तक गृह प्रवेश के लिए तैयार किया जाए। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का एक आदेश जारी हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।